ये लोग जैसे ही निकलेंगे ना इधर से तब पकड़ लेंगे सीसीटीवी सुन 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 बोलो पिलबॉक्स से तूफान के इलाज कराने गई है बाहर निकलेगी तूफान को लेके दोनों को धुप बहुत चलेगी तूफान बाबू को लेके चल 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 गाड़ी रोक के गन पॉइंट बस खत्म जिपता ये तो है अब यार ऐसे तो घुस गए बात कर लेते हैं ना अभी रुक जाओ बॉक्स आना है ना ओल्ड बिल बॉक्स ओल्ड बिल बॉक्स पता है मेरे को अभी देखें सीधे एलएस घुसेंगे देखना रुक तू वेट करियो मैं एलएस उठा लूंगा ब्रो ओबो नहीं नहीं सॉरी माय बैड भाई जी आपका नाम क्या है तूफान बोलो यार तूफान भाई सुनो तो मैं क्या बोल रहा हूँ हाथ ऊपर फोन काटो दोनों हाथ ऊपर फोन काटो फोन काटो राइट नाउ बाहर आओ पिंकेज सामने फोन काटो बाहर आओ बाहर आओ भाई दस बार चिल्ला रहा हूँ यार यार प्लीज फोन काट लीजिए प्लीज आप अपना फोन काट लीजिए माफ करें यार आपके कान पे मेरी आवाज लग गई यार पिंकेज बैंक के सामने बिठा दे तूने मैं इसके साथ जा रही हूं ये सब जो क्या कहते हैं रैप्टर बोला किसने बोला बोला किसने बोला बताओ ना बोला किसने क्योंकि हम में से हमारे किसी बंदे ने तो नहीं बोला ये चीज वी आर प्रीटी श्योर एस टू वुमेन इन लाइक अ ऑल मेन फ्रेंड ग्रुप आई डोंट थिंक ऐसे कोई ऐसे ही बोल देगा मुझे ठीक है अभी गाड़ी में तो बहुत बकबक कर रही थी अब क्या हो गया कुछ नहीं हुआ सी अगर तुम सपोर्टिव नहीं दे रहे हो ना तो हम भी कुछ कर नहीं सकते इसमें मैंने बोला ना ठीक है आप लोगों ने नहीं बोला तो ठीक है नहीं बोला तो ठीक है ऐसा थोड़ी यार इतना दोनों खड़े हो अच्छे नहीं लगते दोनों ना घुटने टेक के नीचे बैठो यार फिर बात करेंगे यार मैंने बोला तो था नॉट एट द सेम लेवल यू नो सरेंडर नहीं हो सकता नहीं कर सकता सब टाइप पे ओके नॉट अ प्रॉब्लम कोई नहीं यार कोई नहीं आराम से बात कर लो कंप्लीट बात कर लो ज्यादा हमें टाइम वेस्ट नहीं करना भाई अच्छा बताओ क्या देखो यार सीन ऐसा था देखो यार सीन ऐसा है इसने हमारा दोस्त है शेन ठीक है बहुत अच्छा दोस्त है काफी टाइम से दोस्त है तो इसने शेन के बारे में काफी बातें बोली कि दोगला है ये है वो है ठीक है तो मैंने शेन को बताया कि इन्होंने ऐसा बोला शेन ने बोला कि वो तो इन्हें जानता ही नहीं है तो शेन ने इनसे बातचीत की कि आपको जानते हो मेरे को कितना टाइम हुआ है ठीक है इन्होंने बोला कि एक बार मिले हैं इन्होंने खुद अपने मुंह से मैंने नहीं बोला मैंने बोला तीन चार बार मिले चलो तीन चार बार मिले डन है ठीक है तीन चार बार आप किस रीजन से मिले एक बार वो आपसे गाड़ी मांग रहा था और दूसरी बार उसने आपको बोला कि वोट देना है ना यही दो बार मिले थे ना जितनी बार मिले उन्होंने बात की है लेकिन मोस्टली एक मिनट से ज्यादा बात नहीं हुई है ना हर एक में लाइक एक या दो मिनट से ज्यादा बात नहीं हुई है उसके आपसे तो उसके बाद भी आपने बोला कि वो दोगला है वो ऐसा ऐसा है वो ऐसा सीन है जबकि वो आपको इतना जानता ही नहीं है तो इतना कुछ उसके बारे में बात फैलाने की कोई नीड नहीं थी एंड देन उसके बाद उसने उठा के आपको बताया था सर मैंने फैलाई नहीं है मार्कोस ने बोला था खुद ही बोल रहा है वो अच्छा मैंने खुद बोला था मैं ही सामने खड़ा मार्कोस मैंने तो कुछ नहीं बोला शेन के बारे में हेलो भाई मैं तो बोलूं चलो मैंने बोल भी दिया मैंने चलो बोला शेन को बोल दिया कि शेन कुछ मेरा दोस्त है मैं उसको कुछ भी बोलूं मैं उसको दोगला बोलूं कुछ भी बोलूं मेरी मर्जी है कोई और बोलेगा उसके लिए तो हां रुको मैं बोलूंगा आप सुनेंगे ठीक है उसके बाद आपको उठाया उसने शेन ने बात करी आपसे ठीक है चलो वहां पे जो भी बातों की डन है लेकिन उसके बाद फिर आपने पीडी क्यों इन्वॉल्व करी यार मैं क्या पूछ रहा हूं अरे पीडी नहीं है एंड इट वाज नॉट लाइक वी वर आर्म्ड ईदर मैं क्या बोल रहा हूं सही तुम्हारा बॉयफ्रेंड है तूफान अरे अरे यार तूफान भाई मतलब बुरा नहीं मानना मतलब मान लो फर्क नहीं पड़ता बट अगर मेरी कोई बंदी होती है और उसे कोई उठाता ना तो मैं खुद कुछ कर रहा होता है चार पांच दिन बाद पीडी नहीं भेज रहा होता एटलीस्ट हैव सम सेल्फ हां एटलीस्ट पीडी वीडियो वाला सीन तो यार पीडी वीडियो वाला मैटर तो हमें बिल्कुल सही नहीं लगा क्योंकि पीडी बीच में आई पीडी इन्वॉल्व करनी है तो नहीं यार देखो मैं तुम्हें बताता हूं वहां पर तुम में से किसी ने कहा कि किडनैप करा शाम को इसको ठीक है मैंने करा था वहां पर ठीक है वहां पर इसने सॉरी बोल दिया
ठीक है। अभी उसके बाद चार पांच लोग लगातार इसको कॉल्स करे जा रहे हैं, कॉल्स करे जा रहे हैं, ठीक है। जब सिचुएशन वहां पर जब हमने और तुमने वहां पर सॉरी मैं बताता हूं क्यों, उसके बाद इन्होंने पहले गनपॉइंट पे चलो सॉरी बोला, डन सीना मेट्रो वहीं पे खत्म। उसके बाद इन्होंने सबको पर्सनल मैसेज करके ये सब बोला कि शक्ल मत दिखाना ये सब लोग जो भी है, हां तो सबको चलो छोड़ मेरे को डन। तो उसके बाद मैंने बताया कि क्या सीन हुआ था तुम्हारा, मैं तो नहीं था जब ये तुम किडनैप हुई थी, मैं नहीं था वहां पे, ठीक है। तो मैंने बताया इनको ऐसा सीन हुआ, इनमें कर, तब उसके बाद ये लोगों ने तब इसलिए वापस मैसेज करा कि ये सबकी नीड नहीं थी वापस से, तब इसके बाद अगर देखो 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 सुनो सुनो सुनो, ऐसा तो नहीं है ना कि यार वो बोल ही नहीं सकती या फिर तुम जो तुम बुलवाना चाहते हो वो वर्ड सुन सकते हो, सुन एक मिनट सुन सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, ऐसा तो नहीं है ना कि तू जो चाहते सिर्फ वही वो बोलेगी। अगर उसको मन नहीं है तेरे से बात करने का, वो नहीं तेरे से बात करना चाहती या फिर तुझसे मिलना भी नहीं चाहती, उसने तुझे मैसेज करा, उसने तुझे ब्लॉक करा, ठीक है। अब तुम ना वो तुझसे बात कर रही है ना वो तुझे मिल रही है, ना ही तू उससे बात कर रहा है ना ही तू उसको मिल रही है, भाई लेकिन वो आराम से भी कर सकते थे, आपकी हरकतें नहीं थी, मैं आराम से बात करो, आराम से बात, आपकी हरकतें वैसी नहीं थी, ठीक है ना। जब लड़की जाके पीडी में कंप्लेंट कर रही है ना कि उसके हैरेसमेंट का केस कर रही है, अगली बार से ना कोई भी कंप्लेंट करनी है ना सोच समझ के करना, चाहूं ना रोज उठाऊं रोज हैरेस करूं, मैं परेशान करूं, मतलब नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगी पीडी पे कोई चीज आएगी अगर हमें कुछ यही सेम टोन में तो कर, ठीक है। मेरा नाम एंड्रू, पीछे वाले का बाबू है, फिर अगली बार उठाऊंगा नहीं, जहाँ देखेगी वहाँ मारूंगा, ठीक है। दोबारा रिपीट नहीं होगी, सेम मिस्टेक और पीडी को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, बोला गया था ना, क्या बोला वहाँ पर जोगी भाई खड़े थे, मैं खड़ा था स्नग, ठीक है, बाबूराव जो वो ब्लू चोटी वाले हैं उनका नाम बाबूराव है ना, और एक और कोई बंदा था मास्क में था। अच्छा मैं समझ गया तुम किसकी बात कर रहे हो, ठीक है। सोफल मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, वो हम में नहीं है, वो वहां पे खड़ा है पब्लिकली। सुनो सुनो सुनो, नहीं नहीं सुनो, वो आके वो आया, ठीक है, तो बाबूराव और वो दोनों बोलने लगे, एंड आई गेस उनके साथ एक और कोई लड़की आई थी, ठीक है। तो उन्होंने जिस वे में ये चीज बोली ना कि तुम्हारा कॉलर पकड़ के और रैप्टे और रैप्टे, तो बाबूराव ने बोला, ठीक है, वो चीज उसने ऐसी कोई चीज नहीं बोली थी, मैं खड़ा था, एंड जोगी, सुनो सुनो सुनो, जोगी भी खड़ा था, मैं भी खड़ा था, के पास रोते चले जाते उनको बुलाने के लिए, क्योंकि सिर्फ बोला जाता है, फिर जब खुद पे आती है तो फिर देखा नहीं जाता ना, इतनी औकात नहीं है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर लूं, फिर दूसरों में घुसना है फालतू में, और वी हम दोनों में से वी रियली विश कि आप हमारे वॉइस के साथ क्या बोलते हैं फाउल वर्ड से बात ना करें, इफ यू डू दैट तूफान आते जाते तो मैं छूतिया बोल के जाऊंगी, कुछ नहीं, बस पे अपोलोजाइज कर लो, दैट्स ऑल वी वांट, बाबू को और शेन को प्लीज लुक इनटू अ फोन, मैं बोल चुकी हूं, आप कितने बार उसे बुलवाएंगे, तो शेन वाला मैटर तो खत्म हो गया था वैसे, शेन को कितने बार, हां ठीक है ठीक है, शेन का मैटर भाई इसमें भी नेगोशिएट कर दियो, मैं अपने फोन ले लिया है तो मैं कैसे बोलूं, आंटू फोन दे रहा है, एंड दिख रहे हैं यार इनके फोन देना, मार्कस भाई आई मीन कहां है वो, कॉल करने बोल दो यार, 37 है पेपर, बोल लिया उसको, दो मिनट में स्टैंडली, दो मिनट तुम भी एलएस में काम करते हो, तूफान हाँ जी एलएस में काम करते हो तुम भी, हाँ यहाँ पर मैनेजर हूँ, अच्छा ये जोगी तक बात नहीं जानी चाहिए, ठीक है नहीं जाएगी बट अगर फालो मैं कुछ मैम फालो करना कि जैसे हाँ मैं बोल रही हूँ ना, तो एलएस के अंदर मतलब अभी जब आएगी सर अराउंड 7 or 7:30 इन द इवनिंग शी वाज गिविंग रेडियो कॉल्स कि यहीं पर हैं, तो एलएस के अंदर मत करो कुछ प्लीज, क्योंकि बहुत ही डाउन हो चुका है उसका, वो बहुत ही हीट है उस पे, एलएस के अंदर कुछ मत करो, उसके बाहर जो भी होगा, हाँ बाहर को बिजनेस के, ठीक है, हाँ बाकी ठीक है, अगर मुझे पता चला जोगी और ज़ारा को पता है तो देखिए ना, नहीं बता रहे, नहीं बता रहे, प्रॉमिस किया तुमने यार, सिटी चल देते हो, ठीक है यार इनको छोड़ देते हैं ना सिटी वापस, नहीं नहीं यही छोड़ दो, नहीं हाँ अभी तो खत्म हो गया पूरा सीन,
संगल को उठा के समझा दिया, अब उनको छोड़ के बस आ ही रहे हैं तुम्हारे तुम्हें लेने। छोड़ा छोड़ क्यों रहे? बाप गई है अभी, बाबू अभी भी हो गई है बात। हाँ काम के टाइम पे तुम्हारा साले गायब हो जाता तो। अरे मैंने भाई यार देख बाबू हमारे सामने तो और मेरे को तुम्हारे सामने ही है। हाँ मतलब सामने थे हमारे मैं, तो क्या मैं आ सकता हूँ प्लीज यार अगर तुम्हारे सामने? प्लीज बातें करनी है, दो बातें प्लीज। क्या करनी है तुम्हें? दो बातें हैं जो अगर आप बताओ तो मार्कोस भाई प्लीज। क्या दो बातें करनी है? वो मैं ही और मैं ही कर सकता हूँ ना, मेरे कुछ समझाना था अगर मार्कोस भाई। ये बाबू बोल रहे हैं कि उसको दो बातें करनी है, जल्दी बोलो क्या करना अभी। कहाँ है वो? कहाँ है बाबू तू? मैं सिटी हॉल, सिटी बहुत दूर है बाबू, बहुत दूर है, बहुत वो हो जाएगा सीन। अभी हम इधर ऑलरेडी पांच जने हैं, तो एक को बैकअप नहीं हो सकता? नवाब भाई बैकअप हो सकता है लेकिन काफी टाइम लग जाएगा इधर ऐसे खड़े खड़े, फिर उसके बंदे ढूंढने में आ जाएंगे। तो एक काम करो, तो एक काम करो डायमंड कैसीनो के पीछे उसको ले जाओ, हम फटाक से यहाँ ले गया फिर। अबे यार ले आते हैं डायमंड कैसीनो के पीछे उधर आ तो। अरे एक बार स्नगली से नहीं क्लियर बातें क्लियर नहीं हो रही हो अगर, क्योंकि और जो मेरे से उसने कॉल पे बोला वो मेरे को और उसको ही पता है ना सिर्फ मार्कोस। हाँ तो ठीक है तू बातें पीछे लेके आ रहे हैं ठीक है। हाँ मैं और तू उधर आ जा कैसीनो के पीछे और नवाब को हम ड्रॉप कर देंगे। फिर उन्होंने ट्रीट व्रीट कराया पिलबॉक्स से, फिर उसके बाद ये ले गए पिलबॉक्स पलीटो में, जो पीछे जाके जहाँ पर वो बोट रेंट होती है ना उसके सामने छोटा सा एक कैबिन है वहाँ पर ले गए, वहाँ पर बात हुई। ठीक है अभी उन्होंने ये चीज़ बोली कि यही बोल रहे थे कि तुमने JNL बोल दिया, तुमने मार्कोस को ब्लॉक कैसे कर दिया, इस बात पर उन्होंने मुझसे और स्नग से सॉरी बुलवाया, मैंने बोल दिया, स्नग ने भी सॉरी बोल दिया। ठीक है फिर बाबू राव से भी यहाँ बाबू राव से मीटिंग हो रही थी। ठीक है अभी भी कहता कि हाँ भाई तुम ऐसे किसी को नहीं बोल सकते कि अगर मैं तुमसे आके तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ तो तुम ऐसे नहीं बोलोगे कि माई नेम इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। तो इस चीज़ पे हुई थी लड़ाई, ठीक है, विच इज़ वेरी बेसलेस अकॉर्डिंग टू मी, नन ऑफ योर बिजनेस। और इन चीज़ों पे लड़ाई अगर कर रहे हो तुम, ठीक है, लड़की की अपनी वो मर्जी है भाई, उसको किसी से बात करनी है नहीं करनी। ठीक है अभी मेरे को बस ये चीज़ का यार